जी, कुछ लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। जब शपथ ग्रहण हो रहा था, तब मुलायम सिंह जी के साथ आप मोदी जी के पास जाते हैं, क्या गुफ्तगू हुई, बताएंगे थोड़ा? मैं बता दूंगा, सच नहीं मानोगे, लेकिन बता दीजिए आप। नेताजी ने कहा, प्रधानमंत्री जी बच के रहना, ये मेरा बेटा है। एक ने बहुत तपस्या की, और तपस्या करके जब प्रभु प्रकट हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम ये कुछ मांगना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मांगना तो चाहते हो, ठीक है, मैं दूंगा, लेकिन याद रखना, जो तुम मांगोगे उसका डबल हम देंगे आपके पड़ोसी को। तो उसने सोचा क्या मांगूं, तो उसने मांगा कि भाई मेरी एक आंख फूट जाए। ये बताओ, नोटबंदी से कौन सा लाभ हो गया, ये बताओ। सबसे पहले मैं आपकी सराहना करनी चाहती हूँ कि आपने पब्लिक के लिए गोमती रिवर फ्रंट व्यू बनाया। थैंक यू सो मच, लेकिन आप अपने भाई के साथ मत जाना उधर। और वहां पर हुआ ये कि जो झूले लगे थे, 15 दिन बाद झूले टूट गए, और अखबार वालों ने उसकी तस्वीर छापी। तो मैंने अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा तुम समझते नहीं हो हिंदुस्तान को, हमारे भारत को नहीं समझते तुम, यहाँ बच्चों के साथ पापा भी झूले पे बैठते हैं। इस लखनऊ में यदि आप 15 या 20 फ्लाईओवर बनवा देते सड़कों के ऊपर, जिससे कि वाहनों की रफ्तार लगातार बिना रुके निकलती रहती, तो क्या वो ज्यादा अच्छा नहीं था जनहित में? आपको ट्रैफिक की चिंता है, आपको एक काम करना चाहिए, आज ही साइकिल खरीद लो एक, और निकल जाइए साइकिल ट्रैक पर, कोई जाम में नहीं फंसोगे आप, और कहीं जाम लगे तो ऊपर उठा लेना साइकिल, निकल जाना वहां से। इनको जो गौरक्षक और जो हिंदू वाहिनी के लोग हैं, इन्हें दिल्ली में जाना चाहिए, और बीजेपी के लोगों ने भी ऐसी शादी की है, उन पर भी हमला करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हमला उन पर? और फिर आप लोग बंबई में फिल्म बना रहे हो, मैंने कम उम्र के नौजवान से पूछा कि ये बताओ नई फिल्म कौन सी आ रही जो तुम देखोगे, उसने कहा कि जो नई फिल्म आ रही है उसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ देश को नई दिशा की जरूरत है और नई लीडरशिप की जरूरत है, सीमा तक अभी नहीं पहुंचा हूं मैं, सीमा की बात तो बाद में हो जाएगी, वो सवाल ही नहीं पूछा आपने, आप मेरे घर पे पूछते रहे, आपने सीमा का सवाल ही नहीं पूछा। इस बार हमारा ग्लू काम नहीं किया, जो फेविकॉल है वो जनता को समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया। बीजेपी का जो ग्लू था, बीजेपी का जो फेविकॉल था, धर्म का, राष्ट्रवाद का, वो समझ में आ गया उनको। अच्छा, ये जो मैंने बोल दिया है, अब मैं बहुतों का दुश्मन बन गया हूं राहुल जी, याद रखना। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ी बेबाक और सटीक जवाब दिए होंगे, उसके इंतजार आपको ज्यादा है, लेकिन इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पहले मैं अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे हो। बेचारे रोमियो को बदनाम कर दिया इन बीजेपी के लोगों ने।